वन पीस मांगा चैप्टर 1089 फाइनली आ चुका है, जिसका नाम है द सीज बैरिकेडिंग इंसिडेंट। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे हमको इस वाले चैप्टर के अंदर ढेर सारी चीजें देखने को मिली है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा अपने चैप्टर की तरफ। बात करें इस वाले चैप्टर के कवर पेज की, तो यहाँ पर हमको नामी रात के टाइम में सी चार्ट बनाते हुए दिखाई गई है, जहाँ पर काऊ नामी को अपना गर्म दूध दे रही है। और ठीक उनके पीछे हमको सांजी को दिखाया जाता है, जो कि खिड़की से इन लोग को ताड़ रहा होता है। लास्ट वाले चैप्टर में जो गार्प के साथ भी हुआ, उसकी न्यूज धीरे धीरे करके पूरे वन पीस के वर्ल्ड के अंदर फैलते हुए जा रही है। उसी न्यूज से रिलेटेड हमको थोड़ा सा फुशा विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर और माकिनो गार्प की न्यूज पढ़ के हैरान हो जाते हैं। लेटेस्ट न्यूज पेपर के अंदर गार्प के स्टेटस को अननोन बताया गया है, वहाँ पर वो जिंदा या मर चुका है वो भी वहाँ पर लिखा गया नहीं है। न्यूज पेपर पढ़ने के बाद में मेयर माकिनो को बोल रहा होता है कि तुम गार्प के बारे में चिंता मत करो, गार्प ने खुद से बड़े बड़े वाले लीजेंड्स को क्रिएट करा है, उसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमको माकिनो का बच्चा दिखाया जाता है, जो की अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और अभी वो न्यूज पेपर में देख के थोड़ा सा लुफी को पहचानने लगा है। और ठीक उसी के नीचे हमको डार्डन का थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया जाता है, जो की लुफी और गार्प की न्यूज देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे डिजास्टर हो रहे हैं, जहाँ पर हमको ग्रैंड लाइन और वाटर सेवन को देखने के बाद में पता चल रहा है कि वन पीस के अंदर जो सी है उसकी वाटर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। बढ़ते हुए पानी की वजह से छोटे छोटे आइलैंड जो थे वो सारे के सारे डूब चुके हैं। लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर का माहौल बन चुका है कि ज्यादातर लोग ऊंची जगहों पे भाग रहे हैं, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जिस दिन से लुलुशिया किंगडम गायब हुआ है तभी से ये सारी चीजें शुरू हुई है। ठीक उसी के बाद में हमको लुलुशिया किंगडम का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पर लुलुशिया किंगडम पूरा का पूरा गायब हो चुका है। और जहाँ पर लुलुशिया किंगडम हुआ करता था वहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा होल बन चुका है। और ठीक उसी पैनल में हम एक मरीन शिप को देखते हैं, जो कि लुलुशिया किंगडम को देखने को गई रहती है, जहाँ पर कोई ऑफिसर ईमू को कॉल करके बोल रहा होता है कि यहाँ पर दूर दूर तक लुलुशिया किंगडम का कोई भी ट्रेस बचा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा होल बन चुका है और उसके चारों तरफ से एक तरीके से वाटरफॉल बन चुका है। अगर हम थोड़ा सा पास जाने का ट्राई करेंगे तो हम सीधा मौत के मुंह में चले जाएंगे, जहाँ पर हमको बताया गया कि लुलुशिया किंगडम के गायब होने की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एकदम से सुनामी का माहौल हो चुका है। उसके बाद सीधा हमें एगहेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एगहेड को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, जहाँ पर 9 वाइस एडमिरल और पूरे के पूरे 20 बैटलशिप चारों तरफ से घेरे पड़े हैं। भाई 30,000 मरीन सोल्जर, वहाँ पर सैटर्न और किजारू भी है, पता नहीं भाई चारों तरफ से घेर के क्या प्लान बना रहे हैं लोग। ये लोग पूरी की पूरी प्लानिंग करके आए कि कैसे भी करके लूफी और वेगापंक को यहाँ से निकलने नहीं देने का। अगर इनको बस्टर कॉल का ऑर्डर मिल गया तो यहाँ पर तो तबाही मचने वाली है। ये लोग इतनी सारी बैटलशिप्स को लेके आए तो यहाँ पर मेका सी मॉन्स्टर भी कुछ कर नहीं पाएगा इन सारी बैटलशिप्स का। उसके नेक्स्ट पैनल में हमको किजारू को दिखाया जाता है, जो कि सेंटा मारू से बात कर रहा होता है। वहाँ पर किजारू सेंटा मारू से बोल रहा होता है कि अभी भी टाइम है कि तू सरेंडर करके हमारे साइड में आ जाए, मैं नहीं चाहता कि अगर बस्टर कॉल हो गया तो उसके अंदर तू भी मारा जाए। जहाँ पर सेंटा मारू किजारू को बोल रहा होता है कि मैं तो डर गया, तुम्हें पता है ना कि ओल्ड मैन वेगापंक ने तुम्हारे ऊपर स्टडी करी है और जो तुम्हारी एबिलिटी और रिजल्ट्स है ना उनको कॉपी करके पैसापिस्टास के अंदर डाल दिया है। वहाँ पर हमको उन तीनों का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वेगापंक किजारू की एबिलिटीज को सक्सेसफुली कॉपी कर लेता है। उसके बाद सेंटा मारू किजारू से बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि लास्ट में आके तुम ही अपने ओल्ड मैन को मारने के लिए आओगे। वहाँ पर किजारू सेंटा मारू से बोलता है कि अगर तुम वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च करोगे तो वहाँ पर मैं तुमको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इन दी एंड मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं उनका पपिट डॉग हूँ। इन लोग की बातें हो ही रही थी कि तभी सीपी जीरो का भी नाम निकल के आ जाता है, जहाँ पर वेगापंक को कब्जे में लाने का काम तो सीपी जीरो का था, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए थे। उनका इस वाले मिशन के अंदर फेल होना तो पक्का ही था, अगर वापस स्ट्रॉ हैट पायरेट नहीं होते तो शायद से उनका मिशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन लास्ट में स्ट्रॉ हैट से हारने के बाद में उन लोग ने स्ट्रॉ हैट के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में हमको नेक्स्ट पैनल के ऊपर सैटर्न को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर बैठे बैठे वो जितनी सारी चीजें एगेड के ऊपर हो रही थी उन सारी चीजों के बारे में पता कर रहा था। वहाँ पर उनको पता चलता है कि सीपी जीरो ने अपनी साइड चेंज कर ली है और अभी वो वेगापंक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अभी वेगापंक को प्रोटेक्ट करने वाला लोगों की टोली 100 से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिसके अंदर एम्परर स्ट्रॉ हैट लुफी का क्रू और 4 सेराफिम्स भी है। उसके बाद वो बोलते कि हमें यहाँ पर आके एक दिन से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी हमको कुछ पता नहीं चला कि एगहेड के अंदर आखिर में हो क्या रहा है, क्योंकि एगहेड का बैरियर अभी 100% एक्टिव था, कोई भी बंदा अंदर या बाहर अभी आ नहीं सकता था। और जितने सारे साइंटिस्ट एगहेड से वापस आए थे उन सभी को मारने का ऑर्डर सैटर्न दे देता है। वो बोलते कि क्या पता उनमें से किसी बंदे को कुछ पता हो। यहाँ पर अपने सैटर्न भाई सब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आखिर में वर्ल्ड सेंचुरी का सवाल है यार, किसी को कुछ पता चल गया तो भाई इन लोग का कांड खुल जाएगा, इसीलिए उसने ऑर्डर दे दिया कि उन सभी को मार दो। उसके बाद हम देखते हैं कि यॉर्क सभी के सभी गुरुसे को कॉल करती है,
कॉल के ऊपर वो बोल रही होती कि वेकापंग मेरे कब्जे में है, कुछ भी करना बस लेबोरेटरी और मेरे को छोड़ देना, दोनों को डिस्ट्रॉय मत करना, मैं तुमको वेगापंग दे दूंगी, बस तुमको मेरे को किसी भी हाल में सिनिस्टेल ड्रैगन बनाना है। मैंने व्हाइट सेंचुरी के बारे में कुछ भी पता नहीं करा, ना ही मेरे को उसमें कुछ इंटरेस्ट है, मुझे बस सिनिस्टेल ड्रैगन बनना है। यॉर्क और फाई गुरुसे की बातें हो रही थी, एक तरीके से उन्हें मान लिया था कि यॉर्क के कब्जे में अभी भी वेगापंग है, और वो लास्ट में जाके यॉर्क की सारी बातें मानने के लिए रेडी भी हो जाते, लेकिन उनको क्या ही पता था कि स्ट्रॉ हैट पायरेट ने ऑलरेडी यॉर्क को हरा दिया है और अपने वेगापंग भाई साहब वहाँ पर एकदम से चील होके सांजी के हाथ का खाना खा रहे हैं। वहाँ पर यॉर्क रोते रोते बोल रही होती कि मुझे को लूपी से बचा लो, शायद से लूपी ने कुछ ज्यादा ही पीटा था उसको। यहाँ पर कुछ भी कहो यार, स्ट्रॉ हैट ने कुछ ज्यादा ही गंदा काटा है गोरुसे का। वहाँ पर सारे के सारे शॉक में चले गए यार, उनने सबकी सब बातें मान ली थी यॉर्क की। इस वाले चैप्टर के अंदर तो हमको बिल्कुल भी फाइट देखने को नहीं मिली, और जो फाइट एगेड के ऊपर हो रही थी उनको भी हमको दिखाया नहीं गया। शायद से हमको इस वाले चैप्टर के अंदर ओडा सेन से बोलना चाहते हैं कि लूफी की मेन फाइट तो अभी 6 तारीख को आने वाली, तो वो जाके देखो, इसलिए हमको इस वाले चैप्टर के अंदर इतनी एक्शन देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा था। इस वाले चैप्टर के अंदर हमको ढेर सारी चीजें रिवील करी गई है, जहाँ पर लुलुशिया किंगडम को गायब करने की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सुनामी का माहौल छा चुका है, और अभी स्ट्रॉ हैट्स ने मिलकर गुरुसे के ऊपर गंदा वाला प्रैंक कर दिया, तो मोस्टली गुरु से गुस्सा हो जाएंगे, लुफे के ऊपर अटैक कर देंगे, वो देखने को काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ यार अभी तो एगेड के ऊपर कोई तो एक्शन होना चाहिए, इतना बड़ा गुरु से वहाँ पे जाके बैठा है। जोरो वर्सेस किजारू और लुफी वर्सेस सैटर्न तो अभी बनता ही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने ओडा सेन से अपने को एक्शन दिखाना चाहते या नहीं चाहते, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मांगा शायद से ब्रेक पे जा सकती है। अगर नेक्स्ट वीक ब्रेक पे चली गई तो उसके बाद का चैप्टर हमको एकदम से बवाल देखने को मिल सकता है। 6 तारीख को एक बवाल आ ही रहा है, तो शायद से उसके बाद ही हमको चैप्टर के अंदर दूसरा बवाल देखने को मिल जाए। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।